हाय गाइस, मैं नमन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके पास अगर Redmi 4 या Redmi Note 4 उसके बाद या Redmi Note 3 अगर इनमें अगर पिन लॉक या पैटर्न लॉक या फोन हैज बिन लॉकेट लिखता है तो इसे आप जो है बिल्कुल सेम तरीके से जो है आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप UMD डोंगल से इन तीनों मॉडल को अगर पिन लॉक या पैटर्न लॉक या फोन लॉकेट अगर लिखता है तो इसे आप सेम तरीके से आप जो है UMD डोंगल से अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपके पास मिरेकल बाउस है तो मिरेकल बाउस के लिए मैंने पहले ही जो है Redmi Note 3 का जो है जो पिन लॉक पैटर्न लॉक का अनलॉक करने का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। उस वीडियो को देख करके आप जो है मिरेकल बाउस से अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ UMD डोंगल से कि UMD डोंगल से कैसे इस मोबाइल को अनलॉक करना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल को अनलॉक करने के लिए पहले आपको मोबाइल का स्विच ऑफ करना होगा। तो मोबाइल को पहले ऑफ कर देना होगा आपको, चाहे आप मिरेकल बॉक्स से करें अनलॉक, चाहे आप UMD डोंगल से करें, आपको मोबाइल को पहले ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वॉल्यूम पावर की है, उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस है, ठीक है। तो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। नीचे माइनस वॉल्यूम से आप फास्ट बूट मोड में आप उसको मोबाइल को ला सकते हैं, और ऊपर वॉल्यूम प्लस को और पावर की को एक साथ प्रेस करने पर आप रिकवरी मोड में जा सकते हैं। तो दोस्तों, रिकवरी मोड लाने के लिए आपको वॉल्यूम प्लस और पावर की को एक साथ दबाना होगा, उसके बाद जब मोबाइल ऑन होने लगे तो आपको पावर की छोड़ देना होगा और वॉल्यूम प्लस आपको कंटिन्यू दबा के रखना है जब तक इसका रिकवरी मोड नहीं आ जाता है। तो जब तक रिकवरी मोड नहीं आएगा तब तक आपको वॉल्यूम प्लस को आपको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिकवरी मोड आ चुका है और यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसे इंग्लिश में लाने के लिए आपको यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंग्लिश पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रिकवरी पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रिकवरी पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका यहाँ पे USB का एक सिंबल बनेगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये मोबाइल में जो है भी आइकन बनेगा USB का सिंबल। आप देख सकते हैं यहाँ डाटा केबल का जो सिंबल दिखा रहा है, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है इसमें। आपको डाटा केबल सिर्फ लगा देना है और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है, उसके बाद मोबाइल को आपको रख देना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे क्यूसी फायर का टूल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूसी फायर टूल को हमें ओपन करना होगा। तो UMD डोंगल का जो ये क्यूसी फायर टूल है, इस टूल को हम चलिए पहले ओपन करके दिखाते हैं आपको कैसे आपको इसे अनलॉक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूसी फायर टूल हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है, और ओपन करके डिवाइस मैनेजर को हमें यहाँ पे देख लेना है कि हमने जो मोबाइल को कनेक्ट किया है इस MI Redmi 4 मोबाइल को, इसका यहाँ पे जो ADB मोड यहाँ पे जो पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ADB इंटरफेस यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हमें करना क्या है, रीड एंड टूल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और रीड एंड टूल पर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो एरिया है ये एरियल मोड में वर्क करता है, ये फास्ट बूट मोड या ADB मोड में ये एरिया जो है वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ फैक्ट्री रिसेट देख रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया जो है ADB मोड में वर्क करता है। तो यहाँ पे चलिए, हमें फैक्ट्री रिसेट पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारे मोबाइल को अभी ये जो है अनलॉक कर देगा, हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। और चलिए हम देख लेते हैं हमारे मोबाइल को कि हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हुआ कि नहीं है। चलिए मैं दिखाते हैं आपको यहाँ पे अभी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल जो रिस्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद ये मोबाइल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको मोबाइल का सेटअप करना होगा, और जब आप मोबाइल का सेटअप करेंगे तो मोबाइल आपका जो है 100% कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।